हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के उन स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 21 के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरसी दिल्ली 3 की ओर से आपके लिए गाइडलाइंस और लिंक शेयर कर दिए गए हैं। तो आप सभी अपने असाइनमेंट सबमिट करने से पहले इन गाइडलाइंस को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। तो सबसे पहले तो ये कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021, यानी कि आप सभी को 30 सितंबर से पहले पहले अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। हालांकि आगे आपकी इस डेट को एक्सटेंड भी किया जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पर आपके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। सो इसी के लिए बताया भी गया है यहाँ पर कि अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे में आपका जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर होने में काफी डिले भी हो सकता है। सो अगर आपको अपने रिजल्ट के डिले से बचाना है तो इसलिए आप इन 3 पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले ये कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट अपनी ईमेल आईडी यानी कि अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी पर सबमिट नहीं करना है। यानी कि आप स्टूडेंट्स को जो भी आपके स्टडी सेंटर की ओर से ईमेल आईडी या लिंक दिए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं पर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। साथ ही अपने असाइनमेंट की मल्टीपल कॉपी सबमिट ना करें। आप बस अपने असाइनमेंट एक बार सबमिट करें। ऐसा नहीं है कि आपने अपने असाइनमेंट सारे आज सबमिट कर दिए, फिर आप 5 दिन बाद फिर से कर रहे हैं, 1 महीने बाद फिर से कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और इसी के साथ साथ आप अपनी एक ऐसी PDF फाइल अपलोड ना करें जिसमें किसी भी तरीके का एक्सेस रिस्ट्रिक्शन लेने की जरूरत पड़े। तो जैसा है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड ना हो, बल्कि यहाँ पर एनीवन विद दिस लिंक आपका होना चाहिए। सो आप इस बात का जरूर एक बार ध्यान रख लें। अब यहाँ पर बात आती है कि 2 एक्स्ट्रा और पॉइंट्स की। उसमें ये बताया गया है कि जब भी अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपके असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको आपके स्टडी सेंटर की ओर से सबमिशन रिसिप्ट नहीं रिसीव होती है, तो ऐसे में आपने जो भी अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो उसकी सेंड रिपोर्ट आप अपनी संभाल कर रखिए। तो वही एक तरीका है आपका सबमिशन रिसिप्ट को आप मान सकते हैं कि वो आपकी सबमिशन रिसिप्ट है। सो अगर कभी भी आपके फ्यूचर में चल के आपके मार्क्स अगर अपडेट नहीं होते हैं, सो आप अपने स्टडी सेंटर को या रीजन सेंटर को दिखा सकते हैं कि देखिए हमने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। और इसके बाद जो कि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सी रहती है, लाइक डाउट सा रहता है कि हमने तो अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमारे मार्क्स अभी तक नहीं लगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपके ये मार्क्स आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का रिजल्ट आने के बाद ही आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किए जाएंगे। सो आप ऐसा ना सोचें कि हमने तो अपने असाइनमेंट अब सबमिट कर दिए, 2 महीने बीत गए, हमारे मार्क्स अभी तक क्यों नहीं लगे। सो जब भी आपके दिसंबर 2021 के एग्जाम होंगे उसका जो रिजल्ट आएगा तभी जाके आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो अपडेट किए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिंक्स दे रखे हैं कि जहाँ पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है, आप इन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहली तो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन। इसमें भी बता रखा है कि आपका असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है 30 सितंबर। इसके बाद यहाँ पर बता रखे हैं आपके कुछ इंस्ट्रक्शन जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो ये कि जो आपके स्टडी सेंटर की ओर से आपको ईमेल आईडी या गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया गया, सिर्फ आप उन्हीं पर अपने असाइनमेंट सबमिट करें, या जो भी साथ में आपके गाइडलाइंस भी बता रखे हैं उन गाइडलाइंस को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें जो भी आपके स्टडी सेंटर की ओर से बता रखी हैं। साथ इसमें भी आपको यही बताया गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ईमेल्स पर जो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ आपको वहीं पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई आपके स्टडी सेंटर की ओर से और आप किसी और ईमेल आईडी पर अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करते हैं। देन इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो आप सभी के असाइनमेंट्स हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट्स होने चाहिए। और इसी के साथ जब अपने असाइनमेंट्स का PDF बनाएंगे तो उसमें आपको अपने आई कार्ड की, जो कि आपका इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी फोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। देन आपके जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं साथ में वो भी उसमें होने चाहिए। यानी कि आपका फर्स्ट पेज आपका फ्रंट पेज होना चाहिए जिसपे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स ये होनी चाहिए, आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, आपका स्टडी सेंटर का नेम एंड कोड, साथ में आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो फर्स्ट पेज पर आपकी इसकी डिटेल्स होनी चाहिए, सेकेंड पेज पर आपका इग्नू का आई डी कार्ड होना चाहिए, थर्ड पेज पर आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन होने चाहिए यानी कि क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, देन फोर्थ पे आके आपके जो भी आंसर्स हैं वो आपके होने चाहिए। अब बात आती है कि जब अपने असाइनमेंट का PDF बनाते हैं उस PDF का फाइल नेम आपको किस तरह से लिखना है। तो इसे मान लीजिए कि आपका असाइनमेंट नंबर है ये, और इसी के साथ आप अपने जिस भी कोर्स का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए MS01 का सबमिट कर रहे हैं, तो आपको अपनी फाइल का नेम पूरा इस तरह से बनाना होगा, आपका असाइनमेंट नंबर प्लस जो भी आपका कोर्स कोड होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 1122 3344 आपका ये एक
और एनरोलमेंट नंबर है और आप सबमिट कर रहे हैं अपना असाइनमेंट BCS 11 का। सो आपको लाइक बनाना है 112244 BCS 11, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो आपकी फाइल का नेम इस तरह से होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बताया गया कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कुछ भी गलती या कुछ भी फॉल्ट पाया जाता है, जैसे कि आपकी राइटिंग शायद चेंज हो, तो ऐसे में आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न कर दी जाएंगे करेक्शन और रिसबमिशन के लिए। सब इसका ध्यान रखें। इसी के साथ साथ अगर आपको अपने असाइनमेंट बनाने के लिए A4 शीट नहीं मिलती है तो आप किसी और भी शीट पर अपने असाइनमेंट्स को लिख सकते हैं, देन उसका PDF बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ A4 साइज शीट पर ही आपको अपने असाइनमेंट बनाने हैं। और इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर 9th नंबर पॉइंट दे रखा है, जो कि आपका इग्नू रीजन सेंटर दिल्ली 2 की ओर से भी शेयर किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स ईमेल्स के द्वारा सबमिट कर रहे हैं, सो आप अपने जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो सेपरेटली 1 by 1 आप सबमिट करें। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका BCA प्रोग्राम है और आपको अपने 5 असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो आप 5 के 5 एक सिंगल ईमेल में अटैच कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले अपना एक अपना सेंड करें, देन अपना दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरीके से आपको करना है। एक ही ईमेल में आपको अपने सारे असाइनमेंट अटैच नहीं करने हैं, सो इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो भी आपके स्टडी सेंटर की ओर से आपकी ईमेल और गाइडेंस यहाँ पर शेयर कर रखी है। सो जैसे कि आपका 0709 स्टडी सेंटर है आर्यभट्ट कॉलेज, सो यहाँ पर आपकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, पहले आप इनको भी ध्यान से पढ़ लें। देन आपका एक गूगल फॉर्म लिंक यहाँ पर दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपके यहाँ पर जितने भी स्टडी सेंटर्स आते हैं रीजनल सेंटर 3 के अंतर्गत, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के जो लिंक्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं। सो इस तरह आपको अपने असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं। इसी के साथ आप अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर कहाँ से सबमिट कर सकते हैं, सो वो आपका यहाँ पर ये लिंक दे रखा है। आपका जो भी प्रोग्राम हो आप बस उसको ओपन कर लीजिए, देन अपने जो भी असाइनमेंट्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एंड देन उसके बाद अगर आपका कोई FAQ है, जो भी फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस यानी कि जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वो यही है, तो आप देख सकते हैं जिसमें ये बता रखा है कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, आप अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन कहाँ से ले सकते हैं, मैंने बताया यहीं से आप अपने क्वेश्चन उठा सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर आपके कुछ ही चीजें हैं, सो वो आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम अपने असाइनमेंट टाइप फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि टाइपिंग करके हम बना लें एंड देन वो अपलोड कर दें, तो नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपके असाइनमेंट्स जो है वो हैंड रिटन होने चाहिए, यानी कि आपने अपने असाइनमेंट्स को पेन से लिखा होना चाहिए, टाइप वो नहीं होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि A4 साइज शीट ही हो, कोई और शीट भी आप यूज कर सकते हैं, साथ ही आपको ब्लैक ब्लू पेन आपको यूज करना है, आप कोई और भी कर सकते हैं। आपको अपने असाइनमेंट कहाँ सबमिट करने हैं, तो जो भी आप ये लिस्ट दे रखी है, आपका जो भी स्टडी सेंटर अपने सामने आप वहाँ पर सबमिट करें, सो यही सब इसमें क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं।